अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स एलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 23, गाजीज लॉ प्रॉब्लम 53, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी स्फीयर की। वो कहता है बताओ जनाब कि आपके पास अगर आर 5.6 सेंटीमीटर का है और ये आर के साथ वेरी कर रहा है और डेंसिटी की वैल्यू इस तरह दे दी है, टोटल चार्ज कितना होगा, मैग्नीट्यूड मांग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर 0 पे, आर बाई 2 पे, आर पे और ग्राफ बताओ। अब टोटल चार्ज हमें बेसिकली चाहिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है क्यू पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के तीन हम देखेंगे एक्स वाई जेड पे, डी एक्स डी वाई डी जेड के तौर पे इंटू डेंसिटी आ जाएगी, टोटल चार्ज के बराबर होगी 4 पाई, हम कह देंगे आर स्क्वेयर इसमें से ले लेंगे, क्योंकि 4 पाई 3 पाई r³ होता है ना, वो जब डिफरेंशियल उठाएंगे तो आर नीचे, 3 नीचे उतरेगा, 3 से कटेगा, तो 4 पाई r² आ जाएगा, डी आर इंटू रो आ जाएगी। अब उसने हमें डेंसिटी खुद दी हुई थी आर बाई आर की लैंग्वेज में, तो नीचे स्फीयर की वैल्यू ये इस तरफ जाके जरब खा जाएगी, तो ये डेंसिटी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो वो आर रो स्फीयर एक तरह से 14.1 पीको कूलम पर मीटर क्यूब है। फिर वक्त में उसकी वैल्यू नहीं डाल रहा, इसको इस तरह लिख रहा हूँ, तो वो वैल्यू इस जगह पे आ गई डेंसिटी की। अब क्या जनाब कि आपने रो एस बाई निकाल लिया, बाकी फैक्टर्स वैसे लिख दिए, इसका इंटीग्रल उठा लिया, तो आर आर से कट जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, तो पाई रो एस आर क्यूब। अब हमें पता है कि रो एस किसकी जगह ले रहा था, 14.1 पिको किलोमीटर क्यूब की जगह, और हमें कैपिटल आर भी पता था 5.6 सेंटीमीटर। इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे, 7.78 × 10⁻¹⁵ आ जाएगा। अब हमसे आर 0 पे मांग रहे हैं, तो अगर हम बिल्कुल ही सेंटर में होंगे स्फीयर के अंदर, वहां पे फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तो हम कहेंगे आर 0 हो जाएगा, ई 0 होगा। फिर हमसे पूछ रहा है आर बाई 2 पे, तो थोड़ा सा हम सेंटर से हटे हैं, तो उसी तरीके से अब हम 0 से आर तक का देखेंगे। तो अब पहले हमने कहां से देखा था, 0 से टोटल रेडियस तक, अब हम उसके दरमियान में है 0 से आर तक, इसी सेम सारे पैटर्न पे लेके डेंसिटी की वैल्यू डाल देंगे, इसी तरीके से इसका डिफरेंशियल उठा लेंगे। अब हमें इस क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे, आइडेंटिकल फैक्टर कट जाएंगे, तो रो एस ई आर स्केयर बाई 4 आ जाएगा। अब हमें पता है कि r बराबर किसके डालना है, r बाई 2 के, तो इस जगह पे r की जगह r बाई 2 डाल देंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये रो एस आर एप्सिलॉन नॉट 16 आ जाएगा। इस सारे की वैल्यू पता है, रो एस पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, r पता है, 16 पता है, 5.58 × 10⁻¹⁲ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। अब अगले सिचुएशन में जब हमने r बाई 2 रखा था, तो अब उसने कहा कि भाई सारे के सारे को बराबर रखो, किस चीज के, r के बराबर रखो, क्योंकि थर्ड ऑप्शन था कि r बराबर है किस चीज के, r के। तो अब मैंने r को बराबर कर दिया r के, जो हमने डेरिवेशन की थी सारी जगह पे, तो यहाँ पे अब हम r की जगह r स्मॉल r की जगह कैपिटल r रख देंगे, तो वही काम किया इस जगह पे, तो अब आपके भाई कैंसिल हो जाएगा, सिंपल रो एस बाई एप्सिलॉन नॉट आर बाई आर आ जाएगा, वो वैल्यू प्लेस करेंगे 2.23 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। ग्राफिकल वैल्यू अगर आप देखेंगे इस फार्मूले के अंदर, वैल्यू आप डालते जाएं, आपके पास इस फार्मूले में वैल्यू डालते जाएं, मुख्तलिफ सिचुएशंस आपके पास आती जाएंगी, पीक वैल्यू आपको इसी जगह पे मिलेगी। तो ये जना हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इस पर कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।